दर्शाइए कि बिंदु, देखिए ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो क्या करेंगे, दोनों दोनों रेखाओं के पहले हम लोग अधिक अनुपात निकाल लेते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा लंब है तो उनके उनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा, प्रोडक्ट का सम यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़े थे ना, वही काम यहाँ पे करना है। बस यहाँ a1 a2 b1 b2 और +c1 c2 इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, तो वेक्टर का ही रूप है, वेक्टर में भी इस तरह से कर सकते थे, वेक्टर जैसे पढ़े उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं जिसमें मैंने इसमें जिस मेथड से आपको बताया है वही मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि बिंदु, बिंदु कौन कौन से बिंदु है, तो एक देखो इसको, एक माइनस एक दो और दूसरा बिंदु है 3 4 -2 को मिलाने वाली रेखा, इसका नाम चाहो तो कुछ ले सकते हो पी क्यू, इसका पहले दिक अनुपात क्या होगा। बिंदु 1 -1 2 तथा 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा ही बना लेते हैं, से होकर जाने वाली रेखा का दिक अनुपात क्या हो जाएगा। इसको हम लोग a1 b1 और c1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 -1 4 -1 और -2 -2 यानी कि आ जाएगा 2 5 -4, ये आपका a1 b1 c1 हो गया। ठीक है, अब फिर दूसरा वाला जो दिया हुआ है, बिंदु 0 3 2 और 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, a2 b2 c2, ये मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 -0 5 -3 और 6 -2 यानी यहाँ आ जाएगा आपका 3 यहाँ 2 और यहाँ पर 4, ये आपका a2 b2 c2 हो गया। तो यहाँ पर a1 a2, क्योंकि हमें दिखाना है कि परस्पर लंब है, b1 b2 और +c1 c2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं, 2 × 3 + 5 × 2 और फिर प्लस में -4 × 4, तो 6 + 10 - 16 जीरो आ गया ना, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन